बड़े भाई का रूम है जो कि काफी समय से गंदा पड़ा हुआ था, अब वो यहाँ आ नहीं रहे। कितने दिन से? चलो आज खा लेना। नहीं खाऊंगी। रिलेटेड वीडियोस नहीं आ रही है वो इसलिए क्योंकि ये लोग भी हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, ना परेशान कर रहे हैं, ना पानी बंद कर रहे हैं, सब सही। ये तो जर्जर हालत में थोड़ी कोई खरीदेगा, तो सही करा लेते या नीचे का बेच के चले जाओ, ऊपर हम ले जाए उठा के यहाँ से। तो ये येलो वाली है, दिखाओ। येलो वाली है। विवानी क्या करा है इन्होंने नंगू? वरना तो घर के खर्चे पानी में चले जाते हैं विवान के पैसे। नहीं यार, वेट लूज कर लिया है और जल्दी अपना डाइट चार्ट भी मैं आप हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ब्लॉग की शुरुआत साक्षी जी साफ सफाई कर रही हैं, काली कलूटी बैंगन लूटी से दिख रही हैं। नहा धो के बैठा करो काम वाम करने। अच्छा, साफ सफाई का क्या फायदा है फिर? आइए सोसाइटी के हमारे कपिल भाई फुल इंचार्ज हैं, ये साफ सफाई रख रखाव का पूरा ध्यान रखते हैं। बड़े भाई का रूम है जो कि काफी समय से गंदा पड़ा हुआ था, अब वो यहाँ आ नहीं रहे, रह नहीं रहे, लेकिन मैंने कहा साफ उफ तो करवा ही दिया जाए, सामान वामान अपने सब ले गए। गाइस एक मजे की बात बताऊं, ये एसी लगा हुआ है लेकिन इसका आउटडोर ऊपर से पिताजी ने खुलवा के रखवा लिया है। एक मिनट रुको, सामने कर लें। आउटडोर खुलवा के रखवा दिया है इन्होंने कि जिससे कि हम लोग एसी ना चला पाए। हालांकि हम लोग ये रूम यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि हम अपना ही, देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन मैंने कहा यार दिवाली है, साफ उफ करवा दिया जाए भाई का रूम। गंदा हो रखा था बहुत, मैं अंदर गया तो धूल धक्कड़ ये वो, और फिर यूज़ भी नहीं हो रहा था तो और स्मेल आ रही थी, इस वजह से मैंने कहा आएंगे वाएंगे बेचारे तो थोड़ा उन्हें सही लगना चाहिए ना। हाँ भाई, कहाँ आएंगे? ऊपर ऊपर आएंगे नहीं आएंगे? ये किसी की एंट्री नहीं है। अरे बाबू तो दरवाजा निकलवा लो। अच्छा, हम क्यों रिस्क लें भाई? पता लगे ऊपर आए उसी दिन की डेट लिखवा दें कि हम फलाने दिन ऊपर गए थे, फिर उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले, तो भाई हम क्यों रिस्क लें? हम रिस्क नहीं लेंगे। अब भाई वो कूड़ा खाने वाला है मेरे पास है गाइस, सीनरी बेचारी टूट गई, छोड़ा था नुकसान, समेट लो अभी लाके दे रहा हूँ। गाइस यहाँ फोटो लगा था, ये मैट आपको ऐसे साफ दिख रही होगी लेकिन एक्चुअल में इस पर बहुत धूल जम गई है, तो इसकी धुलाई उलाई करेंगे कपिल भाई। और यहाँ माहौल बदल चुका है, आलू के पराठे की तैयारी हो रही है, मेरे लिए आलू के पराठे बन रहे हैं क्योंकि साक्षी जी आप तो डाइटिंग में। ठीक, कितने दिन से आलू के पराठे नहीं खाए? कितने दिन से? चलो आज खा लेना। नहीं खाऊंगी क्योंकि फिर अब त्योहार है तो फिर पूरी पूरी खाऊंगी। चलो चलो ठीक। हाँ भाई मजा आ रहा है? पानी निकल गया, पाइप निकल गया। हाँ जी। कैसे अंदर भी है बनिया है इसमें वीडियो बना रहे हो? मैं लगा के आऊँ पाइप? माइक वाइक लगा ले जरा, आवाज़ आवाज़ सही नहीं आएगी आप लोगों को। भाई महिलाएं ऐतराज़ मत करना कि ये अंडरवियर पहन के वीडियो बनाए दे रहे हैं। नहीं दिख रहा, मैंने ऐसे ऊपर से वीडियो बना दी। नहीं कोई बात नहीं, दिखा दो सबका। उन और आदमी लोग के अंडरवियर पहनते नहीं। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाइप हटा दो, कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नीचे फुल काम वाम चल रहा है, घर उर ख़राब हो गया है, ठीक है। तो हालांकि घर तो पिताजी का ही है लेकिन पिताजी को, हाँ पिताजी के नाम पे ही है, मालिक मोहन, लेकिन उन्हें नीचे नीचे से मतलब है, ऊपर से मतलब नहीं है। पिछले दो तीन, जैसे लास्ट दिवाली भी पुताई उताई करवाई थी इन्होंने, नीचे पूरे में सब करवाया, ऊपर का पोर्शन फिर से छोड़ दिया। इस बार भी पूरा मरम्मत का काम चल रहा है, पुट्टी उट्टी छोड़ रही है, सब अभी दिखा दूंगा नीचे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर हम लोग रह रहे हैं इसलिए उन्हें ऊपर से मतलब नहीं है कुछ, और उन्हें याद अच्छे से पता है कि भाई साक्षी और अजितेश मेरे बेटे बहू स्ट्रगल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जैसे जैसे कमा के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ तो ये सिर्फ एक अननेसेसरी टॉर्चर वाली बात है कि भाई
ऊपर मकान खराब हो रहा है, उन्हें अच्छे से पता है, नीचे का अपना मरम्मत करा लिया, किचन उचन भी नया बन गया है, उस चीज़ से हमें दिक्कत नहीं। भाई आपका घर है, खूब मरम्मत कराई, लेकिन आप मकान के मालिक, आपकी जिम्मेदारी बनती है, छोटी मोटी चीज़ें ऊपर भी ख़राब हो रही, जो कि आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि इधर से दीवार ख़राब हो रही है, उधर से ख़राब हो रही है, इधर सीमेंट छूट रहा है। और साफ बताने बाद हम लोग अभी इतना सक्षम नहीं है कि अपना घर और बनवा लें या पेंट पुताई या मरम्मत का काम करवा लें, स्पष्ट बोलते हैं हम, इसलिए लोगों के लिए बुरे हैं। तो आपके पिताजी लोग भी क्या ऐसे ही करते हैं कि जब अगर उनके बेटे बहुओं से बुराई है तो उनका पोर्शन छोड़ दिया साफ़ सफाई कराने से, रंगाई पुताई कराने से, और अपना अपना करा लिया, ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरे पिताजी असली पिताजी वाला व्यवहार कर रहे हैं कि नकली, मतलब सौतेले से भी बदतर कर रहे हैं। अरे तुम्हारा ही घर है, वीडियो वीडियो देखो तो थोड़ा सा शर्म लिहाज कर लो, हैं? ऊपर भी करवा और लेते क्या चला जाता, और क्या। और मकान बेचोगे तो जर्जर हालत में थोड़ी कोई खरीदेगा, तो सही करा लेते, या नीचे का बेच के चले जाओगे, ऊपर हम ले जाएं उठा के यहाँ से। अजीब ही हरकतें कर रहे हो पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए, हम तो बेशरम हैं, लेकिन आप तो शर्मदार हो, समाज में आपकी इज्जत खराब कर दी हमने। अब इतने दिन से आप लोगों ने देखा था इसकी, इतने दिन से परिवार से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं आ रही है, वो इसलिए क्योंकि ये लोग भी हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, ना परेशान कर रहे हैं, ना पानी बंद कर रहे हैं, सब सही। हाँ अब इनके और काम वूम चल रहे हैं, ऊपर से रिलेटेड है, हम करते बदतमीजी तो लेबर ऊपर ही नहीं चढ़ने देते, लेकिन हम नहीं करते ये सब, हमें तो ये है कि बुढ़ापा ये लोग अपने शान से गाड़ें, क्योंकि हम भी अपने बुढ़ापा शान से गाना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में ही नहीं आ रही। अब कुछ करेंगे तो फिर बनाएंगे वीडियो। बाय। निकलवा लो एनी टू, बस ज्यादा मत लेना। तो ये वही एक येलो वाली है, दिखाओ येलो वाली है। ओ चलो सही है, बस एक और ले लो, एक ये ब्राउन, एक तो फ्लावर बने, देखो एक कलर भी। पंगो कितनी जल्दी है, ये विवान के पैसों की चादर ले ली हमने। विवान के पैसों की मतलब? अरे वो एक भैया आए थे ना कल जो विवान को रुपए देके गए, अच्छा, तो उसके पैसों की चादर ले ली। विवान तुम्हें चले नहीं, तुम्हारे पैसों की तुम्हें चीज दिला दी मैंने। पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि विवान के पैसों की मतलब कोई यूजफुल चीज ली है। विवान ही क्या करा इन्होंने नंगू, वरना तो घर के खर्चे पानी में चले जाते हैं विवान के पैसे। नहीं आप ये वाली चादर बाबू ने पूरी खोल ली, बताओ वो बिछवा के मानेगा तो? नहीं आज नहीं बिछेगी विवान, आज नहीं, तो दिखाओ दूसरी दिखाओ। अब वो जिस दिन बिछाएंगे उस दिन दिखाएंगे, ऐसे तो गाइस जिस दिन बिछाएंगे ये विवान की चादर है। थैंक यू विवान, आपकी वजह से हम बेडशीट ले पाए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, जैसा कि पता है, पता क्या है, सब ऑब्वियसली बात है, अपने घरों में काम कर रहे होंगे, क्योंकि दिवाली पे हमें ऐसा ऐसा काम याद आ जाता है जो पूरे साल में कभी नहीं आता, कि ये भी साफ कर लो, ये कबाड़ा भी निकाल के फेंक दो, इसको भी फेंक दो, उसको भी फेंक दो। तो फाइनली साफ़ सफाई डन, और कल है नरक चौदस, तो कल सिर्फ धुलाई होगी, बाकी जो भी डस्टिंग वस्टिंग का काम था वो सब हो चुका है। और ये आप पीछे मैट देख रहे हैं ना, ये भी हमने वॉश करा दी बहुत अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी ये, क्योंकि ऊपर का पोर्शन है तो धूल मिट्टी बहुत जल्दी आती है रूम में, लेकिन अब साफ हो गई है। बाकी आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल। आपके जीवन में धन के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारा मेंटल पीस आए, क्योंकि पैसा ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आता है, पैसे से ही सारी चीज़ें हैं आजकल, इवन रिश्ते भी पैसे से ही हैं, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछता, और जो आपके बुरे वक्त में आपको पूछ रहे हैं वो समझो दिल के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो आपको पूछ रहे हैं। और हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, समय आने पे हम आप लोगों से शेयर भी करेंगे उनके बारे में, लेकिन अभी नहीं। तो
तो जिन लोगों ने हमारा साथ दिया बुरे वक्त में, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्यार देते हैं, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उनके लिए मैं हैप्पी धनतेरस टू ऑल बोलना चाहूँगी। आप लोग के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी धन के साथ साथ, और लक्ष्मी माता हमेशा आपके पास रहें और आप हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। और मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में है, लेकिन उन सबको साइड में रख के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, जैसे कि हम बढ़ते रहते हैं, है ना, है ना भी। तो आज है धनतेरस, तो आज ही दोस्तों मूर्ति आती है गणेश लक्ष्मी जी और कुबेर जी की, और झाड़ू नमक तो ये सब मैं लेने जा रही हूँ, क्योंकि और इस मैं भी तो चलूंगा। हाँ, वीवो भी जा रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, इसलिए हाँ विवान के कपड़े मंगा दिए थे हमने, और मेरी हैं हाँ बर्थडे पे नहीं, दिवाली पे। वीवो मैं बात कर रही हूँ ना बाबू, एक सेकंड। तो विवान के कपड़े मंगा दिए थे, और अजितेश ने भी ऐसी कोई शॉपिंग नहीं की, और मेरे पास भी एक अजितेश की दी हुई साड़ी थी, वो मैंने रेडी करा ली, वो मैं दिवाली पे पहनूंगी, तो आप लोग देखना। और बाकी बस हमारा बच्चा रेडी हो जाए अच्छे से, ये 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 क्यूटी पाई सा दिखना चाहिए, तो सारी दिवाली बहुत बढ़िया मस्त एकदम। तो आप लोग को हैप्पी दिवाली इन एडवांस, हैप्पी धनतेरस, आप लोग बहुत इंजॉय करना, खुश रहना, और पटाखे जलाना लेकिन संभाल के, है ना, संभाल के। और काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कितना वेट लूज़ कर लिया साक्षी, बताओ बताओ। तो मैं जल्दी शेयर करूँगी कि कितना वेट लूज़ कर लिया है, और जल्दी अपना डाइट चार्ट भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ठीक है। ऐसी कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन डाइटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, कि हाँ कुछ खा ही नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन घर का फास्ट फूड नहीं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ़ास्ट फूड ही सबसे ज़्यादा वेट बढ़ा रहा था मेरा, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। कभी कभी 15 दिन में, 1 महीने में एक बार खा सकते हैं हम, और जाके एक्सरसाइज कर लो निकाल दो, तो बाय कर दो। अभी पहले मैं विवान और उसके पापा के लिए खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद मार्केट जाऊंगी। मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट चलेंगे। अरे कैसे कह रही हो, गलत बात कर रही हो। गलत बात कर रही हूँ? नहीं, मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। अरे ऐसे कह रही हो भूत की तरह। भूत की तरह? नहीं, नहीं भूत की तरह नहीं। अच्छा चलो बाय कर दो। बाय। बोलो हैप्पी धनतेरस टू ऑल। हैप्पी धनतेरस टू ऑल। आप लोग हमेशा खुश रहो। आप लोग हमेशा खुश रहो। और हमें भी खुश रखो। हमें भी खुश रखो। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। बाय गाइस, लव यू ऑल। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।